चाय के साथ तो उधम काट रहा उधम। कंफ्यूज हो गए। टाइटल में लिखा था एनी डायरीज, नज़ारे थे नागालैंड के और मैं आपको पूरे हिंदुस्तान के नज़ारे दिखा रहा हूँ। बट ये है प्रमोशन के लिए। जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और जो नहीं पसंद आते हैं उनको ज़रूर अनलाइक करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ बना सकूं। और ताकि आप मुझे और अच्छे से जान सकें, ये जो ऊपर ये जो आई का बटन आ गया उसको दबाइए, वहाँ पर मिलेगा आपको मेरे चैनल का ट्रेलर। तो चैनल का ट्रेलर देखिए और अच्छे से जानिए, समझ में आ जाएगा कि आपको ये चैनल देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं इस व्लॉग का। ये व्लॉग नागालैंड से है। मैं जानता हूँ दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के भयंकर गर्मी में त्रस्त होते हुए जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों के लिए अभी ये खबर ही मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा हो कि नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है। तो मैं अभी वहीं था। सो ये व्लॉग नागालैंड के बारे में, मैं वहाँ गया था काम से, लेकिन व्लॉग काम के बारे में नहीं है। व्लॉग है बारिश के कुछ मज़े के बारे में। हम अक्सर बारिश के जो भयावह रूप है वो हम आजकल न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन बारिश के कुछ अपने ही मज़े हैं। सो उन मज़े को देखने के लिए चलिए मेरे साथ। मेरे साथ हैं सेला। या हे, दिस इज सेला एंड दिस इज गिरीश एंड दिस इज योर स्टूडियो। चारों तरफ बादल और बारिश, नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो सेटिंग कुछ ऐसी थी कि हम लोग अपना काम ख़त्म करके कोहिमा से लगभग एक घंटे की दूरी पे एक छोटा सा ब्लॉक है चिपोबुजो। सो चिपोबुजो से हम तीनों लोग अपना काम ख़त्म करके आगे बढ़ रहे थे, और बढ़ते ही बढ़ते जैसे आप देख ही रहे हैं माहौल ऐसा है, बादलों के बीच में से गाड़ी निकल रही है, यहाँ तक कि कैमरा भी नहीं पकड़ पा रहा है, पिक्चर को धुंधला सा हो गया। इसके बीच में ही अचानक सेला ने बोला कि आइए आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ खिलाता हूँ। तो रुक गए हम लोग। Group means to have a self help group more to the hatha. This is also a self help group? Oh, self help group. No, she did you put it more the water material? You're not by thing in here and there. My ever don't allow to look at you without timing to hear the previous line there. Yes. Sticky rice. Yes. What is this? This is the ground is this into powder, the sticky ones. And after that, you dot it and convert that into rice cake like that. Yes. But then they use the support. Fried. They use the support of this plastic. Else, when they are traditionally banana leaves. Yes. Yes. Traditionally, it's not that before they used to use this banana leaf. But since plastic is more convenient and more durable, what they're using the phone right now. If not, you do it with your bare hand, then it will just stick to your hand. And once you are trying to remove it, it will break. So that is why they use it like this. So it is very organic and very good also. Taste is very good. Yes. But there are also process of grinding this sticky rice into powder. If you use the machine one. Yeah, you can do it with a machine, support of machine, but if you use machine, then the sticky rice, once it is made also, it will be very hard. The taste will be different. But when you pound it with your hand, with the support of that bowl, then it will be very soft, and the taste is also different. Yeah. Just like that. And the oil they use also, preferably, they use this, what do we call that, refined one. Otherwise, they say that if they use the mustard oil, then the taste and the smell, the aromas are different again. Yeah. And there it is taken out. Wow.
छोटा सा वीडियो स्टिकी राइस रोटी यानी कमिनिया रोटी के बारे में नागालैंड में जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोहिमा लर्निंग फ्रॉम सिला हाउ स्टिकी राइस इज मेड एंड टेस्टिंग इट माइसेल्फ एंड फाइंडिंग आउट हाउ टेस्टी इट इज चाय के साथ तो उधम का अटरा उधम अद्भुत उधम काजी मजा आ रहा है उड़ीसा से उतर के सीधा नागालैंड में और खा रहे हैं क्या किमिनिया रोटी वेरी गुड और कुछ विशेष टिप्पणी बहुत अच्छा है थोड़ा इंस्टाग्राम रील बनाया जाए डांस करते हुए इसको लेके एक बार तो इतिहास बन गया दूसरा बार भी इतिहास बनाया गया तुम्हारा है ना तो शुरू हो जाओ खाओ खाओ मजे लो थैंक यू बाय बाय देख रहे हो भाई साहब आज एकदम गजब मूड में है बारिश होती है तो गिरीश भाई साहब एकदम फुल गजब मूड में रहते हैं बादल अगर छा गए तो ये समझो गिरीश भी छा गए गिरीश बाबू भरपूर फॉर्म में गाड़ी बदल चुकी है हमारी अभी हम लोग अब चल पड़े हैं कहाँ जा रहे हैं पार्टनर डीमापुर काम खत्म करके और किमिनिया रोटी खा के पेट भर के दोनों जनता चल पड़े डीमापुर और थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं रोड के बड़ा मज़ा रोड है ये बन रहा है बन जाएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बन जाएगा छोटा सा ट्रिप था लेकिन गजब बात यह है कि गाड़ी इस साल जाएगी जुलाई के महीने में कुछ स्पेशल लोगों के साथ सवारी जाएगी लेह यानी लद्दाख अनाउंस कर दे रहा हूँ पता नहीं अगर कहीं नहीं गया तो बहुत चौपसी होगी इस फिल्म को देख के लोग बहुत ब्लॉग को देख के लोग याद दिला दिला के बोले बेटा बहुत जोर से अनाउंस कर दिया था गए तो नहीं ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है अनाउंस कर दिया नहीं गए बहुत खींचा लोगों ने तैयारी चल रही है धीरे धीरे सब लोगों ने अपने फ्लाइट टिकट्स कर लिए हैं तीन चार लोग जाएंगे दिल्ली से मेरी गाड़ी में यानी मेरे इको स्पोर्ट में लगभग 1000 किलोमीटर का है और इस बार प्लान है कि पांगोंग सो में भी एक रात रुक के आएंगे वहीं जहाँ पर हमारे पड़ोसियों ने नटखट बाजियां कर रखी हैं वहीं जाकर रह के आएंगे हम तो चलिए ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग वीडियो में आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं आप लोग भी मजे लेते रहिए टिल देन
Stay safe, stay happy, and don't forget to subscribe to my channel.